जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, पता है चचा। और एक बार हम पहुंच गए फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी कि चलो पांडे आओ, कुछ चुटकुला उटकुला सुना जी, आओ चला जाए। मजदूर वो जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है, कुछ भी करिए उसकी शेड्यूलिंग करिए। तुम भी जब आईएएस बन जाओगे और फिर स्कूल में जाओगे बच्चों को संबोधित करने, तो तुम ये सब बोलोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पता लगा तुम्हारे इमीडिएट बॉस का फोन आ रहा कि कहाँ हो जेंटलमैन? ओ सर वो घर का एक प्रोग्राम था उसी में हूं। बंद कर दे। पूरे क्लास के लड़के देख रहे कि ये तो खुद ही झूठ बोल रहा है। डिसिप्लिन, तीसरा पॉइंट। मजदूर वो जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है। सर ये इतना बड़ा पॉइंट है ना डिसिप्लिन। मेरी 11 बजे क्लास थी, यहां पे मैं 10:15 बजे आ गया था, 10:15। और ये सब मैंने सुधार किया अपने अंदर, ऐसा नहीं कि बचपन से था, ये चीजें मैंने इंप्रूव की, ये भी मैंने भी सीखा। अगर मैं किसी से सीख सकता हूं, आप हमसे सीख लो। हम सब किसी ना किसी से सीखते हैं, इसीलिए तो जितने भी महान लोग हुए सबसे पहले क्या ढूंढाया था, इनका गुरु कौन था? बुद्ध खुद से थोड़ी एनलाइटेंड हो गए, किसी ने तो दिशा दी ना। डिसिप्लिन। हिटलर, ऑफिशियली हम कितना भी उसकी पॉलिसियों का विरोध करें, लेकिन पर्सनली जब हम उसको देखते हैं, सर उसका नियम था 3 बजे सुबह उठने का, वो कभी टूटा ही नहीं। टूटा ही नहीं। शराब नहीं पीता था। जर्मनी वाला आदमी, जहां टेम्परेचर -20 है, शराब यूरोप की कल्चर का हिस्सा है, इसलिए इस्लाम बड़ी जबरदस्त पकड़ पश्चिम यूरोप में नहीं बना पाया, क्योंकि वहां का व्यक्ति बिना शराब के जी ही नहीं सकता। सऊदी अरेबिया में इस्लाम पैदा हुआ ना, वहां जो आदमी शराब पिएगा, वहां का आदमी ओल्ड मॉन्क पिएगा, वो डेड मॉन्क हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन यूएस, अरे रशिया, डिसिप्लिन। आप एक साल के लिए एक डायरी बनाओ अपनी और अपनी डेली की रिपोर्टिंग लिखो, डेली। जैसे अभी वर्कशॉप करने आए थे तो कुछ लोग ऐसे ही हाथ झुलाते हुए चले आए कि चलो पांडे आओ, कुछ चुटकुला उटकुला सुना जी, आओ चला जाए। सीखने आए हो यार, थोड़ा डिसिप्लिन में आना चाहिए था। एक डायरी ले लेते, एक पेन ले लेते, एक कॉपी ले लेते, कुछ तो ले लेते। राहत इंदौरी को सुनने आए हो? जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, पता है चचा, हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं विद्वानों की, वो मतलब विद्वान जो लोग हैं ना, विद्वानों से कभी बैर मत करिएगा, कभी भी, कभी भी। पाकिस्तान के एक से एक उलेमा है, मैं उनको सुनता हूं, अच्छा लगता है मुझे, मैं बड़ी सारी बातें उनसे सीखता हूं। विद्वानों से किस बात का, आखिर वोल्टेयर को पढ़ रहे हो ना, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर पढ़ते हो ना, तो विद्वानों की कौन सा दायरा। अभी कराची में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सल सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, वो बुला रहे मुझे कि आप हमारे यहां आइए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। उनके यहां इंडियन हिस्ट्री तो है नहीं,
इंडियन पढ़ाएंगे तो फिर वो देश बचेगा नहीं, फिर वो कहेंगे हमको वापस ले चलो अपने कंट्री में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री उनका सिलेबस है, यूरोपियन हिस्ट्री, क्योंकि और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री यहां पढ़ाता हूं, तो हम उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे यहां आके पढ़ा दीजिए। मैंने कहा सौभाग्य है हमारा, बस तो हालात ठीक हो जाए तो मैं जाऊंगा। टूटा वो दुर्घटना थी, कोई मिलाएगा भी तो, अगर वेस्ट ईस्ट जर्मनी हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता हम, राजू सर नलिन सर जाक पढ़ाएंगे देखो भैया, और एक बार हम पहुंच गए फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। हम पहुंचे तो वहां डिसिप्लिन, आप ये छोटी बातें हैं, बहुत छोटी, बाकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तो बहुत बाद में आता है। देखिए दो साल से हैं यहां पे, कितने लोग यहां बैठे होंगे जो दो दो तीन तीन साल से यहां तैयारी कर रहे होंगे, क्या फायदा, क्या फायदा। एक डायरी बनाइए और अपना पूरा चार्ट बनाइए डेली का, रिपोर्ट कार्ड। अगर आपका शेड्यूल नहीं है पढ़ने का, मत पढ़िए, कुछ भी करिए उसकी शेड्यूलिंग करिए कि आज 1 2 3 4 ये काम मुझे करना है, और कोशिश करिए कि वो शेड्यूल किसी भी कीमत पे ना टूटे। आप क्लास आ रहे हैं, आपका कोई बचपन का दोस्त आ गया कि यार मूवी देखने चलना है, अब हमारी बात नहीं मानोगे, अच्छा थोड़ा सा लीवर का हिस्सा दे दो मान ले, ऐसे बड़े सारे वाकियात होते हैं, अब हमारी बात नहीं मानोगे, अब यही सब होगा। अपने शेड्यूल को मत तोड़ो, तुम एक साल ये बातें करके देखो, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं फिर आऊंगा दोबारा,